देखने वाले सारे ने राम राम। मेरा नाम है पूजा पांचाल और मैं फिक्के मिस्त्री की छोटी बहन हूँ। तो आज मैं आपने एक लाडो तो मिलवाऊँ। आज बटाड़ा गांव की मारे गांव का बहुत ही गर्व की बात है। आज यह जो गुड़िया है मारे गांव की शान बन गई है। आज पूरा गांव इसका नाम तो खबरा में है, चर्चा में है। तो आज मैं आपने बता दूँ वो किस वजह से है, बाकी बच्ची का भी बात करांगे। आज नीट का रिजल्ट आया था सुबह, तो उसमें AIR रैंक जो बच्ची की है 272 यानी कि 272 नंबर पाई है। तो हमारे खातर बहुत ही गर्व की बात है। मुझे आपने बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू इतना हमने खुशी देने खातर कि पूरा गांव का एक एक आदमी आज दिन पर गर्व महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ अपने बारे में बताओ पहले, तो आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा नाम श्रुति चौधरी है, मैं गाँव में डाला की हूँ। मैंने अपनी 11th 12th RPS पब्लिक स्कूल हाथी से कंप्लीट करी है और मेरी नीट में 720 में से 700 नंबर आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 272, जनरल कैटेगरी रैंक 196 है। ओके, वेरी गुड बेटे। तो आपने अभी प्लस टू के बाद ही एग्जाम, फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपने कोई कोचिंग ली थी, कोई स्पेशल? मेरे स्कूल में ही कोचिंग थी, मतलब स्कूल में ही सारी कोचिंग के टीचर्स थे। ऐसा कोई स्पेशल नहीं था कि मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी या बाहर से कुछ करा था। जो करा था स्कूल से ही करा था। स्कूल में कोचिंग फैकल्टी थी, अच्छी फैकल्टी थी। ओके, तो आपने ना कोई ड्रॉप लिया, दैट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस। वेरी गुड। तो इसके लिए आपका स्टडी टाइम आपने कुछ बना रखा था? ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल मेरे से फॉलो नहीं होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल स्कूल टाइम की बात करें, जो 2 साल चला, जो टीचर्स ने काम दिया आते ही उसको कंप्लीट करना है, चाहे वो 3 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, मतलब ऐसा नहीं है। पहले अपने स्कूल जो टीचर्स ने दिया, जो उन्होंने बताया उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद अगर आपका फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करने का मन है तो आप कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। तो जैसे आपने सुना कि बच्ची ने इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो वैसे तो जज नहीं करना चाहिए बच्चों को, हर बच्चे का मेंटल लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, बट ये नॉर्मल तैयारी के साथ ही इस बच्चे ने अपने जो नॉर्मल रूटीन होती है उसी के साथ इसने अपना एग्ज़ाम दिया। और बधाई के पात्र स्कूल भी है, क्योंकि स्कूल में ही कोचिंग थी, तो उन्हीं की वजह से आज बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया है। और आपको मोटिवेशन, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको था कि इस मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है? कोरोना के टाइम, टेंथ के टाइम मैंने सोचा था कि मैं आगे मेडिकल। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिससे आपको स्पेशल? स्पेसिफिक नहीं था कि वही कोरोना में वही इतना नीट प्रोफेशन है, मतलब सारे काम बंद है, फिर भी वो डॉक्टर सब भी जाने लगा। सिर्फ डॉक्टर्स की ही जरूरत थी, डॉक्टर और भगवान वही है जो कि वो बचा सकते हैं, इसलिए उनकी इतनी इंपॉर्टेंस महसूस हुई कि भाई डॉक्टर बहुत जरूरी है सबसे ज़्यादा। दैट्स व्हाई आई शो माय इंटरेस्ट इन दिस। दैट्स वेरी गुड। और फिर आपको फैमिली में किसी ने मोटिवेट किया या गाइड किया? या फैमिली का सपोर्ट तो था, स्टार्टिंग से था, मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा, जितना घर वाले कर सकते थे पूरा। तो जैसे बोलते भाई, फिर भी आप गाँव से, हाँ गाँव में कि लड़कियों का तो चूल्हा चौके का काम हुआ है, ये रोटी पोण में ध्यान दे ले, पढ़ के करेगी, तो ऐसा कुछ फैमिली में ऐसा क्वेश्चन नहीं था? काम तो मैंने करा ही दोस्त। वेरी गुड। तो भाई जो भी लोग ये सोचे भाई लड़की है तो इसका मतलब रोटी गोल बनानी आनी चाहिए, तो वो कोई जरूरी नहीं है। पढ़ो लिखो और अपना देश का नाम रोशन करो। जिस दिन युद्ध दिन आ रहा है, जिस दिन कि भाई आज लड़की का रोड शो हुआ है, माला पर आई है, पगड़ी पर आई है, तो यो इतनी गर्व की बात है। तो रोटी सब्जी बनाने में, झाड़ू पोछा करने में कोई अवार्ड घूम देंदा, यो काम करके जब दिखाओगे जब अवार्ड मिलेगा। तो बेटियां ने पढ़ना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेटे बहुत बहुत बधाई हो आप, एंड थैंक यू सो मच, और हम तो प्राउड फील कर सका। ओके, थैंक यू। तो फैमिली में सबसे बड़े जो है भाई कहते हैं कि दादी दूदी की सोच इसी है, लेकिन आज आपने एक दादी तो मिलावांगे, बेटी की दादी तो, जो बहुत कूल है, सर या ननुए होना चाहिए। तो दादी आपका स्वागत है, आओ। राम राम ताई, मेरी ताई लागे है बेटी की दादी। तो आज किसा महसूस हो रहा है ताई की लागे है? कोना चलना हो जाए अभी चलना चलना हो सके ना, सोचे भी कर दे लो ना। कितनी पढ़ रही है ताई? और बताओ फिर इसके बारे में, किसी है लड़ती तो नहीं? लड़ती इनको, बैठती है तो अपना सह सोगी
ठगी पड़ लग जाएगी मतलब कि काम की जरूरत है क्या है कि नहीं थी मतलब बढ़िया चोरी है पढ़ी है हाँ। संस्कारी बालक जिसे अपने हो वही सारी चोरी ना की तेरी सोच ना की मेरी सोच इतनी न्यू नहीं जो तेरी दादी से हाँ। किसकी मेर करे या तेरी माँ है इसकी न्यारी करे इतना भाई है इसकी न्यारी करे कि सारे इन्हें सारे मतलब इस सब खातर समान भावना है लड़की की कोई भेदभाव नहीं उनका आग्रह माँ की नहीं न्या की कहनी चाहिए तो या न्या की कहने वाली बढ़िया था इब्राज तो पूरा गांव का चांदना हो रहा है पोती पूरा गांव का नहीं जरा यू आया बात का उससे का चांदना उससे का हो रहा तो क्या कहना चाहोगे आपके भाई जो नहीं पढ़ाने छोरियां ना दसवीं करके उनका ब्याह करते हैं जो होशियार छोरी हो जो कि मैं कर सके न कर सके वो पढ़ानी चाहिए पढ़ानी चाहिए और जो करे नहीं सकती ना उसको क्यों पीछे गाला जो ना करे चल करे तो बेचारे का जी नहीं करता क्यों दंगा बाकी छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए आजकल लोग नहीं होना चाहिए छोरी भी जो थोड़ी पढ़ के रहती है उसको बेशक पीछे गाला भाई लड़के भी यूं काम नहीं करते हैं जो इतना गर्व जो आज जगह इस लड़की ने दी है अपने परिवार ते इतना मान सम्मान दिया भाई छोरे भी परिवार में मैं शायद उन्हें इतना नहीं करा जितना छोरे हाँ तो पूरा हरियाणा है पूरा जिला है वो पूरा ही प्राउड फील कर रहे हैं सारे ही खुश हैं कि हर तरफ खबर में आज हरियाणा में टॉप 10 में है अभी लिस्ट नहीं आई है तो अरे पूरा जिला में तो फर्स्ट है ही ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो हिसार हमारा जो गांव बडाला है इसका जिला हिसार है तहसील आसी है तो उसमें सारे ही आज खुश हैं हर तरफ खबरों में हमारे गांव का नाम बना हुआ तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है और सभी खुश हैं सारे गांव वाले खुश हैं। तो लाडो एक बात और मैंने पूछी थी आपसे कि अब आगे जो बच्चे एग्जाम देंगे क्योंकि हर साल एग्जाम हो हर टाइम कैंडिडेट हो गए तो मैं अपनी तरफ से तू पर्सनल अपना एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर कि कोई ऐसी टिप देना चाहोगे कि भाई तुम ये काम करो अगर एग्जाम क्लियर करना है कोई अपना एक्सपीरियंस से पहली बात खुद को कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा मेरे जो लोग ये कहे हैं कि कौन हो है उनसे तो दूरी बनाई रखो भाई उनकी तो सुननी ही कौन है एक कान का काट दो सुनो और दूसरा मत काट दो उन लोगों की सुननी को नहीं दूसरी बात खुद पे कॉन्फिडेंस और जो काम डेली मिले है एक अच्छे गाइड के साथ जो काम आपके टीचर दे हुए हैं उनका पूरा कहना मानना है मतलब यो नहीं कि भाई 5% मान लिया 95% नहीं मान लिया पूरा जो उन्होंने कहा है 100% अपने टीचर्स को फॉलो करो अच्छा और सपोर्ट कंसिस्टेंट रहो मतलब ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ा 12 घंटे पढ़ लिया बाकी के 6 दिन साफ कि बिल्कुल कि भाई रिवीजन करते रहो अगर आप सच्ची में डेडिकेशन है तो हंसते खेलते हो जाएगा इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत को नहीं और बस यही है अपनी मेहनत करते रहो कि भाई वेरी गुड कितनी अच्छी बात बताई भाई कंसिस्टेंसी कि लगातार काम करना है क्योंकि जो अगर आप एक हफ्ते की रोटी एक दिन नहीं खा सकते ऐसे ही पूरा हफ्ते का काम कई बच्चे सोचे मैं संडे वाला दिन कर लूँगा डेली का जो काम है वो डेली ही